तो अजान विवाद अंते गुजरात हाईकोर्ट सुधी पहुंची चुक्यो छे अने राज्यमां जे मस्जिदो आवेली छे तेमां अजान दरमियान जे लाउडस्पीकरनो उपयोग करवामां आवे छे ते बाबते जाहेर हितनी अरजी करवामां आवी हती अने सुनावणी दरमियान मूळ पक्षकारे जणाव्यु हतु के तेना विस्तारमां मस्जिदमां लाउडस्पीकरनो उपयोग बंद करवामां आव्यो छे जेथी करीने ते आ अरजी पाछी खेंचवा मांगे छे, परंतु आ बाबते गांधीनगर जिल्लाना बजरंग दलना प्रमुखे पक्षकार बनवानी हाईकोर्टमां अरजी करी छे। ત્યારે શું છે સમગ્ર મામલો આવો આપને જણાવીએ। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત તક અને આપની સાથે હું છું ભક્તિ રાજકોટ। પિટિશન પિછલે કઈ મહિનો સે હાઈકોર્ટ મે લંબિત થી પિટિશન કરતા જો ડોક્ટર ધર્મેન્દ્ર પ્રજાપતિ મુખ્ય રૂપ સે થે પર ઉન્હોને અપને કઈ કારણો સર જો કે મુજે જો જ્ઞાત હે ઉસ હિસાબ સે उन्हें कुछ कथाकथित लोगों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था याचिका वापस लेने का, तो उस कारणों से वो याचिका वापस लेने का मन बना चुके थे और याचिका वापस लेने के लिए उन्होंने कोर्ट में कार्रवाई शुरू करी थी। उसी समय हमें याचिकाकर्ता इस तरह से जो याचिका है वो वापस लेने जा रहे हैं इस तरह पता पड़ा। हमारे जो गांधीनगर के बजरंगदल संयोजक जो शक्ति सिंह झाला है उन्होंने कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी, याचिका की थी कि मुख्य याचिका तो याचिकाकर्ता जो हैं उनके साथ में पक्षकार तरीके उनसे जुड़ने की मंजूरी मांगी थी, जो कोर्ट ने जो याचिका है वो स्वीकार की है और जो शक्ति सिंह झाला है उन्हें पक्षकार तरीके जुड़ने की अनुमति दी है। क्यों विश्व हिंदू परिषद इस मसले में जुड़ा है और क्या समर्थन की बात है ये? जी, समर्थन याचिकाकर्ता जो है उन्हें कई तौर पर जो कथाकथित तौर पर जो धमकियां मिल रही थी उस वजह से वो अपना जो अपनी जो याचिका है वो वापस लेने का मूड बना चुके थे, पर कहीं ना कहीं वैसा लगा कि ये याचिका होनी चाहिए और देश भर में जिस तरह से भी एक माहौल बना हुआ है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर एक आवाज़ जो एक हुई है उठी है, उस हिसाब से लगा कि जो प्रदूषण का मामला है ध्वनि प्रदूषण का ये यहाँ से भी हटना चाहिए और मुख्य रूप से इसे कोर्ट में चलाया जाना चाहिए। इस वजह से शक्ति सिंह इसमें जुड़े हुए हैं और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल उसका समर्थन करता है और 2005 का एक जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का उससे भी मानना चाहिए और स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह से जो मस्जिदों पर जो गैर कानूनी तौर पर जो जान देते हुए जो माइक जो लाउड स्पीकर है उसे तत्काल तौर पर हटाने का निर्देश तब भी किया था और आज भी वही याचिका के तौर पर हाईकोर्ट में भी मांग की है और हमें आशा है कि न्याय प्रक्रिया में उस याचिका पर न्याय होगा और सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पे ही यहाँ पे भी न्याय होगा। गुजरात में जो मस्जिदों पर गैर कायदेसर जो लाउड स्पीकर है वो भी देश के अन्य राज्यों की तरह दूर होंगे। गुजरात ना आवाज महत्वना समाचार थी अपडेट रहेवा माटे जोड़ाला रहो गुजरात तक साथे अने आ वीडियो ने लाइक अने शेयर करवानु न भूलता। नमस्कार।